धेआईएस की ओर से वीरांगनाओं पर चल रही इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जिसने श्रमिक वर्ग और कांग्रेस के उद्देश्यों को एकजुट करने की दिशा में कार्य किया, जिनका नाम है मणिबेन कारा। मणिबेन कारा का जन्म वर्ष 1905 में भारत के मुंबई शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता आर्य समाज के सदस्य थे। उन्होंने मुंबई के रामदेवी में अवस्थित सेंट कोलंबा हाई स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में डिप्लोमा की उपाधि भी प्राप्त की। गुलामी के दौर में व्यवहारिक रूप से समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में और स्वतंत्रता प्राप्ति की लड़ाई लड़ने में कई सक्रिय आवाजें शामिल थीं, जिनमें से एक मणिबेन कारा भी थी। मणिबेन कारा ने जब म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी का पद संभाला, तब इस पद पर रहते हुए उन्होंने पूरी निष्ठा व लगन के साथ अपना कार्य किया। उन्होंने बॉम्बे म्युनिसिपल वर्करों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। इसके अलावा वे वर्ष 1935 में गठित कांग्रेस की गोल्डन जुबली समिति की सदस्य भी रहीं। महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर नजर डालें तो वर्ष 1935 के दिसंबर माह की 9वीं तारीख को ऑल इंडिया प्रेस वर्कर्स फेडरेशन तथा बेकार कामगार संघ के तहत लालबाग मैदान में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मणिबेन कारा ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस बैठक का मकसद अहमदाबाद के श्रमिकों मोहम्मद यूसुफ और मंगल सिंह को सुनाई गई सजा जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के खिलाफ आंदोलन करना था। इन मुद्दों में मद्रास प्रेसिडेंसी में कैद बीमार श्रमिकों, मुकुंदलाल सरकार तथा आमिर हैदर खान की तत्काल रिहाई भी शामिल थी। इसके अलावा इस सार्वजनिक बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर धूलिया में प्रताप मिल्स के हड़तालियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई। मणिबेन कारा ने इन हड़तालियों से यह भी आग्रह किया कि वे कांग्रेस की गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती में भाग लें और साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के इस संघर्ष में अपना योगदान भी दें। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रमिकों में स्वतंत्र भारत का स्वप्न प्रज्वलित करने के लिए उन्होंने आगे यह भी कहा कि श्रमिक और वर्कर्स उस संगठन के प्रति उदासीन नहीं रह सकते जिसने पिछली आधी सदी से देश की आजादी के लिए संघर्ष किया हो। वर्ष 1935 के दिसंबर माह की 30वीं तारीख को कांग्रेस का जुबली ईयर यानी कि जयंती वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में दादर में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सम्मिलित मणिबेन कारा ने अवसर का बखूबी सदुपयोग कर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति श्रमिक वर्ग के सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण को सराहते हुए यह उजागर किया कि किस प्रकार वे यानी कि संपूर्ण श्रमिक वर्ग एक कांग्रेसी के रूप में स्वदेशी के प्रबल समर्थक रहे हैं। चूंकि उनके लिए स्वतंत्र भारत सर्वोपरि था, इसीलिए पूंजीवादी परिवेश में काम करने के बावजूद भी उन्होंने स्वदेशी विचारधारा का समर्थन किया। न सिर्फ श्रमिक वर्ग बल्कि मणिबेन कारा ने मेहनतकश जनता के बीच अपनी पहचान बनाने व समर्थन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को भी प्रेरित किया और साथ ही साथ यह भी सुझाव दिया कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर जो रेजोल्यूशन पारित हुआ था, कांग्रेस को उस पर कार्य करना चाहिए। श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर आवाज उठाने के कारण पूरा श्रमिक वर्ग उनका आदर व सम्मान करता था। इस बात की पुष्टि इसी से हो जाती है कि मणिबेन कारा के आग्रह पर ही बॉम्बे के मजदूर, खासतौर पर बॉम्बे के म्युनिसिपल वर्कर्स विभिन्न समारोहों के दौरान यूनियन यानी कि संघ में शामिल होते थे। गौरतलब है कि मणिबेन कारा ने भारतीय ट्रेड संघों के आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के साथ साथ ऑल इंडिया रेलवेज मेंस फेडरेशन की प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्यभार संभाला। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1948 में कुछ समाजवादी, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक के अनुयायी व कुछ स्वतंत्र यूनियनिस्टों द्वारा हिंद मजदूर सभा का गठन किया गया, जिसके संस्थापकों में मणिबेन कारा, बसामन सिन्हा और अशोक मेहता जैसी शख्सियतों के नाम शामिल हैं। इतिहास के पन्नों में भले ही आज मणिबेन कारा का नाम गुम हो गया हो, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष के साथ साथ
श्रमिक वर्ग के कल्याण में उनके द्वारा दिए गए योगदान अतुलनीय हैं।